अज महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस वालों हल्ला बोल प्रदर्शन किया जा रहा है। चंडीगढ़ के कांग्रेस भवन के अज पूरे पंजाब भर के कांग्रेस आगू के सबका मंत्री पहुंचे ने, उन्होंने वर्कर पहुंचे ने, इसमें लेकर भारत भूषण आवश्यक ने। सर कि देखते कि लगातार महंगाई बढ़ रही है, चाहिए तो यह कि लगाम लगनी चाहिए कि थोड़ी सरकार के उत्ते पहले बहुत इल्जाम लगते रहे कि महंगाई बढ़ा रही है, यही बीजेपी से जो थोड़े इल्जाम लाती थी, पर हूँ यह लगातार महंगाई बढ़ रही। उदों तो कोई महंगाई इन्नी सीगी भी नहीं, तो लोगों की जेब के इन्ना स्कोप सीगा भी उन्हें चीज़ों नू खरीद सकन। तो उदों झूठ च तूफान बोल के बीजेपी सत्ता च आई, तो उस तो बाद इत्थे धार्मिक पोलराइजेशन ते सूडो नैशनलिज्म वो क्रिएट करके असली इशूज़ तो ध्यान हटा के रखती है, तो अज कांग्रेस पार्टी असली इशूज़ नू लैके सड़कां ते। सर बीजेपी वाले वालों कहा जाता है कांग्रेस तो हुण खत्म हो गई पूरे भारत के, सफाया हो गया कांग्रेस का, कि असी हुण कदे कांग्रेस नू आण नहीं देना सत्ता दे विच। तुसी फोर्थ पिलर हो डेमोक्रेसी, तुसी आखो तुसी लोगों तक असलीयत पहुँचानी है, थोड़े होर भी साथी डिस्ट्रिक्ट भी होणगे, होर स्टेटा च भी होणगे, अज तुहानू लगता कांग्रेस खत्म है? कांग्रेस जो लड़ाई कांग्रेस पार्टी लोगों की सड़कों पर उतर के लड़ सकती है, कोई होर पार्टी लड़ रही है? अज असी थोनू ही गवाह बना के थोड़े प्लेटफार्म राही हुई लोगों को ये अपील करते हैं, अज जरूरत है जिहड़ी लड़ाई आज़ादी वेले लड़नी पई सीगी, जिहड़ी होर कुरीतियां जदों इस मुल्क चांदियां, वो लड़ाई आम जन जनमानस नूं भी अज उही लड़ाई थोड़ी कांग्रेस पार्टी अगे होकर लड़ रही है, डट के सानू लड़न की लोड़ है, आवाज़ बुलंद करन की लोड़ है। इस सरकार जिहड़ी बिल्कुल लोगों नालों कट जाए, लोगों की आवाज़ सुनना बंद कर दे, उस लड़कार नूं डेमोक्रेटिक तरीके नाल अगले इलेक्शन असी हटा के दम लवांगे। पार्लीमेंट के बिल पास हो जाते हैं पर ओपोजिशन थोड़ू बोलने नहीं दिंदा, चाहता क्या लगता कि लगातार हुण पंजाब के उत्ते सरावां के उत्ते लंगर तो टैक्स भी लगाने की गल आखी जा रही है? ये पहला लग चुका, प्रशादा के उत्ते टैक्स लग चुका, वह भी लड़ाई लड़ के हटाया गया, हुण सरावां के उत्ते लंगर के उत्ते लगन जा रहा, तो कांग्रेस पार्टी उहदी लड़ाई जारी रखी बैठे है। पंजाब दे विच कई लीडर थोड़े बीजेपी से चले गए, ईडी का लगता है कि डर दिखा के जिहड़ा उन्हां नूं शामिल किया जा रहा है, जिहड़ा एजेंसियां दे डर तो अपनी जगह छड़ जाए तो वह लीडर खवाण दे काबल रहणगे? कोई इशू बड़ा होवे, दूसरी पार्टी की आइडियोलॉजी चंगी लगती होवे, उस करके जाए तो समझ आउंदी है, जे ये इस करके बई जेलां च जाण तो डर जाण, ईडीए दे प्रेशर ना झेल सकन, वो लीडर अखवाण दे काबल। अच्छा एक बीजेपी वालों ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस ये जिहड़ा प्रदर्शन कर रही है कि जिहड़ा राहुल गांधी ते नाल सोनिया गांधी ईडी दा जिहड़ा शिकंजा कसिया सी उसका ध्यान भड़काउण वास्ते, ये हमेशा ही किसी ना किसी गल नूं किसी ना किसी नूं लैके कांग्रेस पार्टी के एक्ट्स नूं ना निंदण लग जांदे आ। ठीक है, पिछली बार ईडी का जो मिसयूज सी असी उहदे खिलाफ करिया, वो ईडी का मिसयूज सी क्योंकि पहला सवाल थोड़ा उही रहा भी लीडर उहदे डर तो उहदे प्रेशर तो भज रहा है, तो जे हुण असी वो मिस मैडम सोनिया गांधी या राहुल जी का सवाल नहीं सी, वो सवाल सी भी ईडी का मिसयूज हो रहा है, अपोजिशन की आवाज़ नूं दबाउण लई हो रहा है। तुसीं अज देखो इत्थे सानूं अपने हैडक्वार्टर तो बाहर ही नहीं निकलण दिता जांदा प्रोटेस्ट करन लई, गवर्नर नूं साडा डेमोक्रेटिक राइट है भी असीं मेमोरेंडम देईए, लोगों के इशूज़ उन्हां तक पहुँचाइए ताकि वह ठीक ठिकाने पर पहुँचन, पर उत्थे जाणना किसी ने नहीं देना, असीं कोशिश करांगे, पर जदों यह नहीं है तो उदों फिर थोड़ा प्लेटफार्म है जिदे तहत असीं यह इशूज़ लोगों के पहुँचाने हैं, तो उस जिहड़ी अन्नी ते बोली सरकार है उन्हां तक पहुँचाने। बहुत वड्डी गल है कि जिहड़ा अज भारत भूषण आश्रम नूं दस्सिया गया कि लगातार साडी जिहड़ी आवाज़ है वो असीं केंद्र सरकार के कन्नां तक पहुँचा रहे हैं, कि जिहड़ी महंगाई वध रही है इसनूं लैके आम जनता दुखी है, तो इसनूं लैके उन्हां वल्लों अज गवर्नर हाउस का घराओ करन जाना है, मंग पत्र देन जाना है, पर उस तो पहले ही पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं कि उन्होंने अगे नहीं जाता जाएगा, पर उन्होंने दसा गया कि असं अपनी आवाज़ जी केंद्र तक के नाल गवर्नर हाउस तक जरूर पहुँचावे। तो होर खबर देखने बहुत बहुत चैनल सबसक्राइब करें, इस खबर में बहुत बहुत शेयर करें, कैमरामैन सुमित हरतेज सिंह।